वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन वेजिटेबल के साथ। आइए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन के अंदर ऑयल डाल लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो जाए थोड़ा सा। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको, हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, कलर चेंज ना हो इतना सौते करेंगे। ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना, चाउमीन में थोड़ी खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो हम इसको लाइट से सौते करेंगे। शिमला मिर्च हमारी सौते हो गई है, हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कलर हमारा चेंज नहीं हुआ है। अब मैंने फिर से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर दूंगी, बारीक कटी हुई। जुलियन कटिंग की है मैंने। आप सब्जियां जो हैं अपने हिसाब से हसब ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने 3 अदद शिमला मिर्च ली थी, यानी कि 1 पाव शिमला मिर्च ले ली थी, और 2 अदद मैंने गाजर ले ली थी, और 1 बंद गोभी ले ली थी। हाफ बंद गोभी मैंने ले ली थी। आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद हैं तो आप ज़्यादा ले लें, कम पसंद है आप कम ले लें। जिस हिसाब से भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप ले सकते हैं। गाजर को भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। गाजर भी हमारी सौते हो गई, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। हम फिर से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और अब हम ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी को तो हमने बहुत लाइट सा सौते करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ये नरम पड़ जाए तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए जो है हम इसको बिल्कुल खड़ा खड़ा रखेंगे। बस 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मिक्स कर लेंगे हम बंद गोभी को भी। ये देखिए हमने इसको हल्का सा सौते कर लिया, फ्राई कर लिया। अब मैं इसको फ़ौरन निकाल लूँगी। फिर से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर बारीक कटिंग हुई हुई प्याज ऐड कर देंगे। मैंने 1 अदद छोटी सी प्याज ले ली थी। इसको भी मैं लाइट से फ्राई कर लूँगी। प्याज हमारी लाइट सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून या हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा बस लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, ताकि प्याज जो है हमारी ज़रा थोड़ी सी नरम हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें लहसुन अदरक का। मिक्स करते ही रहेंगे हम इसको। आप चाहें तो सिर्फ बारीक कटिंग हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड कर दूंगी। मैंने हद जरूर चिकन लेके इसको मैंने बॉईल किया, काली मिर्च और नमक डाल के, और रेशे कर लिए। बहुत आसान और अच्छी रेसिपी है मेरी चिकन चाउमीन की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बना के बहुत मज़ा आएगा। हल्की सी हमारी चिकन भी फ्राई हो गई। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून और हल्दी चुटकी भर ऐड कर दूंगी। नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि काली मिर्च थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी यखनी ऐड कर देंगे। मैंने अलग से भी यखनी थोड़ी सी बना के रखी हुई है, तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। मैंने 1 बॉयल कर लिया था टमाटर को मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने छिलका उतार के पीस लिया ब्लेंडर के अंदर, और फिर मैंने उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया। इस तरह से मेरी टमाटर प्यूरी रेडी हो गई थी। मसाला हमारा थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर सॉस का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करी है। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर दूंगी, और
चिली सॉस ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून। फ्लेम को हम मीडियम पे कर लेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। फौरन ही मैं इसके अंदर अपनी फ्राई की हुई वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वेजिटेबल जो हैं और चिकन हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप के ऐड कर दूंगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटीज़ को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है नमक और थोड़ा सा ऑयल लगा के। ऑयल अगर हम थोड़ा सा बॉईल करते हुए डाल देंगे तो हमारी स्पैगेटी जो है वो चिपकती नहीं। अब मैं इसके अंदर अपनी बॉइल्ड स्पैगेटीज ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको, स्पैगेटी को और मसाले को जो हमने वेजिटेबल और चिकन का रेडी किया था। हमारी कलरफुल सी स्पैगेटी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। चावल को मैंने डिश आउट कर दिया था, आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल से ये लग रहे हैं और मेरी सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं हुआ। हमने इस तरह से इसको फ्राई किया, सौती किया कि इनका कलर चेंज नहीं हुआ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।